नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेज में। दोस्तों, मैं हूं कुमार वर्मा। क्या हालचाल आप सभी लोगों का? कैसे हैं सभी लोग? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बताइए भाई। सागर कश्यप साहब, वाह वाह, क्या बात है। विनीत चौहान जी को नमस्कार है। अमृता यादव, सुप्रिया कुशवाहा, नमस्कार सभी मित्रों को। बहुत दिनों के बाद आज मुलाकात हो रही है आप सभी लोगों से। कहाँ थे इतना दिन? आप सभी लोग कहाँ थे, क्या कर रहे थे? पूनम गुप्ता जी, अरविंद कुमार, ज्योति कुमारी, इट्स राखू, वाह वाह, क्या बात। अरे भैया सागर हमसे पूछ रहा कहाँ थे गुरुजी आप? अरे हम लंदन घूम घाम के आए हैं। वहाँ गए, बातें नहीं समझ में आ रहा था। अंग्रेजी मार एकदम बोलम बोल सब बोल रहे थे, गजब का। हाय चलो, हाउ यू आर, व्हाट्स गोइंग राइट नाउ, व्हाट्स गोइंग ऑन, वाओ व्हाई दिस ईयर, एक ऐसे सब बोलते थे वहाँ पर। ठीक है ना, ऐसे बोलते थे। लंदन में गए। आइए मैदान में आइए। सर आप झूठ बोलना। अरे भाई झूठ क्या बोलेंगे, मैं वहाँ गया था लंदन। टेम्स नदी के तट पर गया, वहाँ दोस्त लोग थे, कहे चलो कूद के नहा लेते हैं। कूद काट के नहाए हुआ है, बढ़िया से नहा धो करके वहाँ से निकले हैं। जितना भी पाप किए थे सब पाप धोल करके आए हैं। चलिए अशोक कुमार, निशु कुमारी, अमृता यादव, आइए मैदान में सभी लोग आइए। आज गर्दा उड़ेगा, आज उड़ेगा गर्दा। अब आज से कहानी स्टार्टअप सभी लोगों का है। फिर से अब उड़ेगा गर्दा SSC GD का। चलिए बाबू स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पूनम गुप्ता, अरविंद, चलिए। हाँ, इसीलिए गोरा हो गया हूँ, मात्र 4 दिन तो रहा हूँ, उतने प्रभाव दिखाई दे दिया है, उतने में प्रभाव दिखाई दिए। विष्णु इधर देखिए, आइए। ये प्रहार 2.0 बैच चल रहा है, इसको ज्वाइन किया जा सकता है, बहुत ही नॉमिनल फीस में है। ये टारगेट आपका 20 फरवरी तक है। GKGS का चल रहा है, कंटेंट चल रहा है, एकदम शानदार तरीके से। आइए देखा जाए क्या क्या कहता है। ये ला बाबू हेर देखा, हम वास्तव में गए थे लंदन, यही पता करने के लिए कि आखिर में जब लंदन में पढ़ाई किए गांधी जी, तो उनको लंगोट पहनने की आवश्यकता क्यों पड़ा। लंगोट पहनने का आवश्यकता क्यों पड़ा। हेमंत बहुत अच्छा बेटा, क्या बात है, लाजवाब। तो गांधी जी ने कहा, गांधी जी लंगोट पहनना स्टार्ट कर दिए थे। कब से स्टार्ट कर दिए थे? इधर देखिए, जमाना हुआ करता था 22 सितंबर का। एक जमाना था 22 सितंबर 1921 का जमाना था। यानी इस समय जरा देखिएगा ध्यान से, इस समय देश में असहयोग आंदोलन चल रहा है। कौन सा असहयोग आंदोलन चल रहा है देश में? असहयोग आंदोलन। देखिए असहयोग आंदोलन चल रहा, नहीं चल रहा कहेंगे, हाँ चल तो रहा है सर। ये आंदोलन तो स्टार्ट हुआ है लपेट करके 1920 से 1922 तक चला है। इसी के बीचवा में गांधी जी ये कहे असहयोग आंदोलन के दौरान, अब आज से, अभी से, यहीं से कहा, मदुरई से। याद रखिएगा ये मदुरई पड़ता है, मदुरई में इस समय थे, मदुरई में गांधी जी थे। 1921 का जमाना था और इसी समय मदुरई में अनाउंस किए कि अब हम ब्रिटिश कपड़ा का क्या करेंगे, त्याग कर देंगे और देसी माल पानी चढ़ेगा बदन पर। फिर देसी कपड़ा चढ़ा और देसी कपड़ा में लंगोट धारण किए लपेट करके, बस यहीं से कहानी स्टार्ट है। तो 1921 का जमाना याद रखिएगा, 1921 का जमाना याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान 22 सितंबर 1921 ईस्वी को सबसे पहले इन्होंने लंगोट धारण किया था और ये बोला था कि अब हम लोग क्या करेंगे, ब्रिटिश कपड़ा को त्याग करने की अब आवश्यकता आ गया है और धारण करना है अपना देसी कपड़ा। रुद्र कुमार ऑफिशियल, चला बात समझ गए यार, देखा। नेक्स्ट सवाल है, भारत की ओर से किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यहां पर लिख लिया बाबू, जहरवा पी ले बाबू, नहीं तो गड़बड़ा जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा मैटर। बड़ा ही दमदार सवाल है ना। वर्मा सर कहाँ थे आप? रुद्र भैया हम थे, चले गए थे गोरखपुर, चले गए थे घूमने, चले गए थे। भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार कौन सा है? देखा, पहला सवाल यही बनता है। आप कहेंगे गुरुजी चैंपियन ऑफ द अर्थ है, इसको बोलते हैं चैंपियन ऑफ द अर्थ। ये चैंपियन ऑफ द क्या है? चैंपियन ऑफ द अर्थ, याद रखिएगा। यही वो पुरस्कार है चैंपियन ऑफ द अर्थ है, याद रखिएगा। वो भी ये सर्वोच्च पुरस्कार जो पर्यावरण वाला है, ये वर्ष 2022 का है। ये 2022 के लिए किसको दिया गया है, तो आप कहेंगे पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया है। रहने वाली कहाँ की हैं, तो आप कहेंगे असम की रहने वाली हैं। असम की रहने वाली हैं, याद रहेगा नहीं याद रहेगा, कहेंगे जी हाँ बिल्कुल याद रहेगा। अशोक कुमार इधर देखिएगा, पूर्णिमा देवी का नाम यहाँ पर अच्छे से गठिया दीजिएगा। असम की रहने वाली है। 2022 के लिए चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि कहाँ का है, संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार कहा जाता है। बात आप समझ गए हैं। आगे देखा जाए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा का मतलब मास्टर आदमी वो होता है ना जो सब में निपुण होता है, और एक आदमी ऐसा था जो डिग 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 करता था। वो कौन था कौन था जल्दी बताइए। सूर्यसेन। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा सूर्यसेन। याद रखिएगा इनके बारे में बड़ा ही जबरदस्त कहानी है। याद रखिए सबसे पहले इन्होंने IRA का स्थापना कर दिया। इन्होंने IRA का स्थापना, कहेंगे गुरुजी IRA क्या है, तो इसको इंडियन रिपब्लिक आर्मी कहा जाता है। इंडियन रिपब्लिक आर्मी, याद रखिएगा इंडियन रिपब्लिक आर्मी कहा जाता है। और ये आर्मी का स्थापना किसने किया है, आप कहेंगे इन्होंने ही किया है। और एक बात और याद रखिएगा, वर्ष 1930 में ये चटगांव, आपका चटगांव शस्त्रागार हुआ करता था, ये शस्त्रागार हुआ करता था, इसका इन्होंने क्या किया, लूट लिया। इसको इन्होंने क्या किया, लूट लिया। इसको इन्होंने क्या किया, लूट लिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ और क्रांतिकारी नेता भी थे इनके साथ। कौन कौन थे, तो देखा बाबू कौन कौन थे क्रांतिकारी। कुछ क्रांतिकारियों का नाम लिखता हूं, देखिए एक आपकी प्रीति लता वाडेकर हैं। याद रखिए कौन, प्रीति लता वाडेकर। एक आपकी प्रीति लता वाडेकर, याद रखिएगा ये हैं वाडेकर। और एक बीनादास हैं, और एक नाम याद रखिए बीनादास। ये दो बीनादास, दो क्रांतिकारियों का नाम याद रखिएगा। इनके सहयोगी हुआ करते थे, महिला क्रांतिकारी थी, है ना, महिला। गोर लगातानी गुरु जी, अच्छा। साक्षी पटेल जी खुश रहा बेटा, खुश रहा, जीवन में आगे बढ़िए, एकदम प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। चलिए सूर्यसेन का नाम यहाँ पर आप बात समझ गए हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ा जाए। गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह है, यह किसके से जुड़ा हुआ है। ये तो बड़ा ही आसान सवाल है, कहेंगे गुरुजी ये तो आओ सनम जाओ सनम है, इससे आसान सवाल तो नहीं हो सकता है ना। कहेंगे हाँ सर कहाँ हो पाएगा इससे आसान सवाल। देखिएगा सवाल कहता है कि चंपारण सत्याग्रह, चंपारण का मतलब यह हुआ, जैसे यहाँ पर देखिए एक भूमि का एक टुकड़ा है, इसको हमने कट्ठा कह दिया, और भूमि को हमने बांट दिया कितने भागों में, इसको हमने बांट दिया 20 भागों में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक। तो ये 20 टुकड़ा हो गया। और इस 20 टुकड़ा में याद रखिएगा अंग्रेजी में सब कहते थे, वाओ किसान भैया सुना है हरावा है हरावा, ऐसा है मैं हूं अंग्रेज। जरा ध्यान से मेरी बात सुन लो, एक हिस्सा पर इस हिस्सा पर इस हिस्सा पे, 3 हिस्सा पे आपको करना है ना, यानी 20 टुकड़ा किया जाएगा, इसमें 3 हिस्सा पर आपको नील की खेती करना है, और नहीं करेंगे तो बहुत होगी पिटाई और बहुत होगा लगान वसूलाई। तो किसान में कहे ठीक है साहब, ठीक है मालिक, समझ गए नहीं हम। तो इस 3 हिस्सा पर नील की खेती होता था, 20 हिस्सा पर, और अगले वर्ष फिर इन 3 हिस्से पर नील की खेती होता था। इस प्रकार से जहां नील की खेती हो चुकी थी वह बर्बाद हो चुका पूरा का पूरा खेत, क्योंकि नील की खेती करने से उसकी उर्वरता शक्ति जो है घट जाती थी। तो बड़ा ही परेशान हो गए थे चंपारण, यानी बिहार के किसान परेशान हो गए थे तीनकठिया पद्धति से। तब इन्होंने अपने जीवन का पहला सत्याग्रह स्टार्ट किया, अपने जीवन का सत्याग्रह, सबसे पहला सत्याग्रह, ये फर्स्ट सत्याग्रह गांधी जी का। ये कब हुआ, तो 1917 ईस्वी में इन्होंने खेला स्टार्ट किया था, और सफल नेतृत्व भी किया था, और सफलता भी प्राप्त किया था। याद रखिएगा गांधी जी के जीवन का पहला सत्याग्रह यही है। सत्याग्रह का मतलब होता सत्य के लिए आग्रह करना, यानी जो सत्य है उसकी बात करना, केवल सत्य और अहिंसा की बात करना, यही आपका क्या है सत्याग्रह, यही तीनकठिया पद्धति है। तीनकठिया पद्धति पे नील की खेती होती थी। और याद रखिएगा 1916 में गांधी जी को बातें पता चलता है। 1916 में कहां पर, तो आप कहेंगे लखनऊ अधिवेशन होता है किसका, INC का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। वहीं पर ये पूरी की पूरी बात इनको जानकारी पता चलती। यहाँ पर किसान बहुत परेशान हो गए हैं, बात समझ गए ना, किसान बहुत परेशान हो गए हैं। यहाँ पर गांधी जी से मुलाकात होती राजकुमार शुक्ला से, और राजकुमार शुक्ला लखनऊ मिलते हैं, जाके पैरों पर गिर जाते हैं, कहते हैं अरे गांधी जी, अरे बाबा, ए बाबा, अरे तनी चल जाओ, हाँ हमारे बिहार में बड़ा परेशान हो गए हैं सब किसान, चलिए थोड़ा सा कुछ ना कुछ करिए, कुछ आंदोलन करिए, नए नए आए थे अभी बाहर से घूम घाम के दक्षिण अफ्रीका से 1915 में, फिर यहीं से इन्होंने अपने जीवन का पहला सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, बोस्टन चाय पार्टी की घटना। देखा बेटा, ये बोस्टन चाय पार्टी की घटना की बात कर रहा है। ये बोस्टन चाय पार्टी घटना, यहाँ पर ऐसा सवाल आता है तो आदमी नाश्ता माटी में लिखा है, यहाँ जहर लिखिए, लिख लीजिएगा जहर बात है, जहर बात है, जहरवा पीला ए बाबू, है ना। चलिए विनीत, अशोक कुमार, ज्योति, सभी लोग बताइए, सागर कश्यप, गोल्डी कुमारी, गोल्डी, अमृता यादव, बताइए जल्दी बताइए, फटाफट बताइए। डीडी आ रहा, सीसी आ रहा है, देखा कुछ लोग डीडी आ रहे हैं, कुछ लोग सीसी आ रहे हैं। डी का मतलब क्या हुआ था, देवसेना। अच्छा, अशोक कुमार कह रहे हैं डी। इधर देखिएगा, ये जो बोस्टन चाय पार्टी की घटना है, वास्तव में देखा जाए तो जो समुद्री जहाज हुआ करता था, समुद्री जहाज पे जो चाय लदा हुआ था, उस शहवा को क्या किया गया, समुद्र में फेंक देने की घटना है। ये समुद्र में उठा उठा के फेंक देने की घटना है, और वास्तव में ये अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से संबंधित है। यानी बोस्टन चाय पार्टी की घटना जो है, समुद्र में लदे हुए चाय को उठा उठा के लोगों द्वारा क्या किया गया, फेंक दिया गया। यही आपका अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से संबंधित है घटना। आगे देखिएगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इधर देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा। कहेंगे अरे बाल गोपाल कहाँ गए बाबू, बाल गोपाल, एकदम सही बात है, सही आंसर, एकदम शानदार आंसर है। सभी लोग लपेट दिए हैं बाल गंगाधर तिलक को, एकदम सही आंसर है। तो बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कहा था, और इनके बारे में एक घटना याद रखिएगा, इन्होंने मराठा पत्रिका का प्रकाशन भी किया है, याद रखिएगा कौन सा, तो आप कहेंगे मराठा पत्रिका। साथ में और याद रखिएगा केसरी पत्रों का, केसरी पत्रों का क्या किए थे, प्रकाशन किए थे। पत्रों का क्या किए, तो प्रकाशन करने वाले यही है, प्रकाशन करने वाले कौन है, यही है, बात याद रखिएगा। और तो और याद रखिएगा, वर्ष 1916 की अगर बात किया जाए तो वर्ष 1916 में इन्होंने पूना में, पूना मतलब बेलगांव में, इन्होंने क्या किया था, होम रूल लीग का स्थापना किया था। यह भी बात ध्यान दीजिएगा, होम रूल लीग का स्थापना करने वाले कौन है, तो आप कहेंगे यही बाल गंगाधर तिलक हैं, बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा। केसरी पत्रिका साथ में मराठा पत्रिका के मतलब प्रकाशन करने वाले यही हैं। 1916 में होम रूल लीग का स्थापना करने वाले कौन हैं, यही हैं। ये भी बात ध्यान दीजिएगा, पूना में, पूना में याद रखिए, पूना में याद रहेगा, कहेंगे हाँ याद रहेगा, पूना में बेलगांव में, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना की बात हो रहा है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना, बड़ा ही आसान सवाल है, तो आओ सनम जाओ सनम। चलिए जल्दी बताइए फटाफट, सभी लोग बताइए, मुकेश, अमृता यादव, गीतांजलि, गजब का नाम है गीतांजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर, याद है ना गीतांजलि, 1913 में गीतांजलि किताब के लिए 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले रविन्द्रनाथ टैगोर साहब हैं। ये बात भी आप नोटिया दीजिएगा, गीतांजलि जी। चलिए लाजवाब, बहुत बढ़िया आंसर, क्या बात है, अरे गजब, क्या देखा यार, देखा। खेतड़ी किसके लिए बहुत फेमस हो, कहेंगे तांबा है, तांबा, तो तांबा के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। अब तांबा का आयस क्या है, तो आप कहेंगे क्यूपराइट है, क्या है, तो आप कहना क्यूपराइट है, क्यूपराइट इसका आयस्क कहा जाता है। बात समझ गए ना। एल्युमिनियम का आप जानते हैं क्या हुआ, एल्युमिनियम का क्या होता है, कहेंगे बॉक्साइट होता है, इसका बॉक्साइट होता है। इस्पात यानी स्टील मतलब लोहा, लौह अयस्क होता है। लौह अयस्क का जो होता अलग अलग होता, मैग्नेटाइट होता, हेमेटाइट होता, लिमोनाइट होता है, आयरन पायराइट होता है, सीडेराइट होता है, बहुत सारा होता है। तो कुल मिलाकर के खेतड़ी राजस्थान में किसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, आप कहेंगे तांबा के लिए। इसी क्यूपराइट के अलावा एक और इसका अयस्क है, कॉपर पायराइट है। तो एक आपका कॉपर पायराइट भी है, पायराइट भी आपका इसी का है, याद रखिएगा इसी का अयस्क है। बात समझ गए ना, बात समझिए। चलिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जब कॉपर के साथ जिंक मिलता है ना, तो ये बनता है ब्रास, बन जाता है, तब ये ब्रास बन जाता है, ब्रास। और जब कॉपर के साथ अगर टीना मिल जाए, टीना मतलब एशियन, तो क्या बनेगा आपका, बन जाएगा ब्रोंज, बन जाएगा। दोनों बात याद रखिएगा, ब्रास और ब्रोंज किसका एलॉय होता है, इसका एलॉय होता है, ठीक है ना। चलिए, और सर कहाँ थे आप, रवि शर्मा, शर्मा जी लंदन गए थे, लंदन बताए तो शुरू में बता दिए हैं, शुरू में बता दिया हूँ, लंदन गया था, लंदन गया था, थोड़ा सा घूमना उमना था, मिलना था लोगों से, वही चले गए थे। इधर आइए फटाफट बताइए। काजीरंगा की बात करता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करता। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, पूरे दुनिया में अगर बात किया जाए, आपसे ये सवाल पूछा जाए पूरे विश्व में कौन सा ऐसा पार्क है जो एक सिंग वाले गैंडे के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, आप कहेंगे यही है। पूरे दुनिया में बात कर रहा हूं, विश्व में मैं बात कर रहा हूं, है ना, विश्व में बात कर रहा हूं। एक सिंह वाले गैंडा, एक सिंह वाला गैंडा, एक सिंह वाला गैंडा के लिए फेमस कौन है? तो आप कहेंगे यही है, विश्व में यही है काजीरंगा। इधर देखिए, काजीरंगा के अलावा और कौन कौन सा है? तो आप कहेंगे गुरुजी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान है, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान है, राऊ मतलब राष्ट्रीय उद्यान है। इसी प्रकार से देखिए आपका नामेरी राष्ट्रीय उद्यान है, यहीं पर नामेरी राष्ट्रीय उद्यान भी पड़ता है। यहीं पर याद रखिएगा मानस राष्ट्रीय उद्यान है, मानस राष्ट्रीय उद्यान है। यहीं पर याद रखिएगा रैमोना राष्ट्रीय उद्यान है, रैमोना राष्ट्रीय उद्यान आपका है। तो ये सभी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? एक ही जगह पड़ता है। कहाँ पर? आप कहेंगे असम में पड़ता है, असम में पड़ता है। इधर देखिए, समझिए ध्यान से, प्यार से, मोहब्बत से। हाँ, अब आ गए हैं रवि शर्मा, अब आ गए हैं, क्लास एकदम झोकम झोंक चलेगा। आप इधर देखिएगा, इधर देखिए जरा ध्यान से। एक लड़की थी दीवानी सी, चाय पियो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से जब भी गुजरती थी अक्सर पूछा करती थी, अरे गुरुजी चाय पियेंगे का? हम कहे हाँ, और का पिलाओ चाय। पीऊंगा, बिल्कुल पीऊंगा। इधर देखिए, तो यहाँ पर मोना नाम की एक लड़की है, मोना नाम की एक लड़की है, वो चाय बहुत बढ़िया बनाती है। और आपको पता है असम में चाय का उत्पादन बहुत ज्यादा होता। कहेंगे हाँ सही बात है। तो मोना नाम की लड़की है, उसने कहा गुरुजी चाय पियेंगे का? हमने कहा हाँ बनाओ, हम पी लूंगा चाय, तो पीने में माहिर आदमी हूँ। तो कही ठीक है सर बैठिए। तो हम कहे ठीक है बनाओ भाई बनाओ। बनाई, जब बनाई तो गजब का रंग दिया, यानी गजब का रंग दिया चाय, एकदम काला काला हो गया चाय। अरे हमने कहा वाह क्या बात है, क्या बात है। तो मोना ने जब चाय बनाया तो गजब का रंग दिया भाई। हमको जब चाय पिए तो हमको मानना पड़ा, मान गया मैं, बहुत गजब चाय है भाई। मानस मतलब मान गया मैं, चाय गजब का मोना ने हमको पिलाया है, रंग दिया है। अरे भैया नाम है नाम, असम के चाय का नाम है नाम, मोना का नाम है, असम के चाय का नाम है। काजीरंगा, मान गए ना काजी ज्योति, मान गए ना, चाय गजब का था। कहेंगे हाँ सर मान गए, बहुत बढ़िया। चलिए आप ध्यान से सुनिए, जब भी आएगा दिमाग में ओरंग, यानी ओरंग रंगवा बहुत बढ़िया दिया था असम का चाय। नामेरी, असम के चाय का नाम गजब का है। मानस मतलब मान गए कुमार वर्मा सर चाय पी करके, किसके हाथों के द्वारा? मोना के हाथों के द्वारा। काजीरंगा मान गए ना? कहेंगे हाँ सर मान गए। चला मानस, आप कहाँ से हैं? चलिए मनीषा, आप कहाँ से हैं? अच्छा चला बाबू, यार देखा, इधर देखिए ये सवाल, देखिए इस सवाल का जरा समझिएगा, मतलब समझिएगा। ये सवाल कहता है पृथ्वी गोल है, कह रहा पृथ्वी गोल है, तो बात सही है पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है ना। पृथ्वी ऊपर नीचे कुछ नहीं, मतलब ये हुआ मान लीजिए हम पृथ्वी पर खड़े हैं, तो क्या पता हम पृथ्वी के नीचे वहां ऐसे पड़े हों, है ना। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, सपोज दैट ये पृथ्वी है, तो मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पर हैं, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर है, ये भारत है, ये 0 डिग्री है, ये आपका विषुवत रेखा है। मान लीजिए हम लोग कहाँ हैं? यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर हैं तो हम लोग ऐसे खड़े होंगे बाहर की तरफ, ऐसे खड़े होंगे। हो सकता हो कि कोई नीचवा आदमी यहाँ पर हो, नीचवा यहाँ पर आदमी हो, तो नीचवा जो आदमी होगा इस तरीके से क्या होगा? ऐसे पड़ा होगा, इसका हाथ ऐसे होगा, देख रहा ना, उल्टा दिख रहा है। कहेंगे हाँ सर उल्टा तो दिखाई दे रहा है। जो यहाँ पर होगा वो ऐसे खड़ा होगा। कहेंगे हाँ सर सही बात है, इसे खड़ा होगा। नीचवाला उल्टा दिखाई देगा, हो नीचवाला उल्टा। यानी ये सवाल ऐसा सवाल है, आ जाएगा तो बहुत अच्छे लोगों की जो है हालत खराब हो जाएगी। तो केवल सापेक्ष होता है, हम भारत के लोग किसके लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। यानी जैसे अगर देखा जाए भारत यहाँ पर है, तो भारत यहाँ पर है तो यहाँ पर आदमी खड़ा होगा इस तरीके से। जब आदमी भारत खड़ा होगा तो अगर ऐसे खड़ा है तो इसके पीछे वाला क्या होगा? उल्टा ऐसे खड़ा होगा। हे बाबू, मान लीजिए पृथ्वी है, सपोज दैट पृथ्वी है, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर देखिए खड़े हैं ऐसे, तो हमारे पीछे जो होगा उल्टा ऐसे खड़ा होगा। इसका मुंह वगैरह ऊपर इधर होगा और हम लोग का मुंह वगैरह इधर होगा। देख रहे ना, दोनों का दोनों उल्टा होगा। इसका मतलब ये पता कैसे चलेगा? ये अच्छान से पता चलेगा। तो अर्जेंटीना अगर आप देखेंगे पृथ्वी पर, तो ये आपका पृथ्वी पर भारत है, इसी के जस्ट पीछे आप जाएंगे, बोडवा को काटना पड़ेगा ना, अभी काट दूंगा तो अभी सरदार सत्यम सर जो है मार बहुरा जाएंगे, कहेंगे बोडवा काट दिया हमारा। तो यहाँ पर इसके पीछे, इसी के जस्ट पीछे याद रखिएगा कौन है। आप कहेंगे इसी जस्ट पीछे गुरुजी अर्जेंटीना है, तो उल्टा दिखाई देगा। हम लोग ऐसे खड़े हैं तो वो ऐसे खड़ा होगा। बात समझ गए ना। चलिए यार देखा अगला सवाल। कुड़ुक 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 कुड़ुक। अरे हमें लगा पहले कुकुड़ुकू कुकुड़ुकू, हमको लगा पहले कहला कुड़ुक कुड़ुक। चलिए बताइए इधर। कुड़ुक कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है। कुड़ुक 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 जो बोलेगा वो झाड़ झाड़ के बोलेगा। और कैसा बोलेगा, झाड़ झाड़ के बोलेगा। कुड़ुक 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 झाड़ झाड़ के बोलेगा। बात समझ गया ना। काजल, रुद्र, अमृता, सुप्रिया, हेमंत, पिंकी, अमन। यार देखा कुड़ुक जो है कहाँ के लोगों की भाषा है। तो जैसे अगर देखा जाए झारखंड की जो जनजातीय क्षेत्र है, साथ में इसी सटा हुआ आपका उड़ीसा है। उड़ीसा का जो जनजाति हैं, साथ में यहाँ पर मध्य प्रदेश में जनजातीय क्षेत्र है, और साथ में जो आपका छत्तीसगढ़ है, और साथ में आपका याद रखिए वेस्ट बंगाल है। तो यहाँ पर जो जनजाति लोग होते हैं छोटे मोटे हिस्सों में, वही लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं, है ना। कुड़ुक कुड़ुक याद रखिएगा। कुड़ुक कुड़ुक ये सब आसपास के क्षेत्र हैं, है ना। आसपास के क्षेत्र सब चिपके हुए यह राज्य हैं। तो बात आप समझ गए। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। जीएसएलवी का अर्थ क्या होता है। जीएसएलवी देखिए बेटा, एक जीएसएलवी होता है, एक पीएसएलवी होता है। एक जीएसएलवी होता है और एक पीएसएलवी होता है। पीएसएलवी होता है एक आपका पीएसएलवी होता है, एक जीएसएलवी होता है। चलिए बताइए इसको, बताइए जरा इसका मतलब क्या होता है। ये जीएसएलवी का मतलब क्या होता है। चलिए जा झार के सीसीआर, अमृता का सीसीआर, अच्छा ठीक है। यानी ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियोसिंक्रोनस ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च। चलिए जल्दी बताइए, फटाफट बताइएगा जीएसएलवी का पूरा नाम। चलिए फटाफट बताइए, समय ही समय है मेरे पास है, आज तो टाइम ही टाइम है, बीबी आ रहा है। अच्छा आइए हम आपको एक चीज बताते हैं। जैसे मान लीजिए एक आपका जीएसएलवी है, एक आपका पीएसएलवी है। ये दो चीज क्या करता है, ज्यादातर अगर देखा जाए तो प्रक्षेपण जो प्रणाली होता है, प्रक्षेपण जो प्रणाली होता है, इसी प्रणाली में सर्वाधिक इस्तेमाल होता है। यहीं पर इसका प्रयोग होता है, यहीं पर इसका प्रयोग होता है। अब देखा जाए तो जैसे मान लीजिए जीएसएलवी की मैं बात कर रहा हूँ, जीएसएलवी का। तो जीएसएलवी और पीएसएलवी दोनों, बात समझिएगा, बीएसएलवी, ये दोनों के दोनों ऐसे मतलब प्रणाली हैं जिसके माध्यम से ये ज्यादा वजन को पृथ्वी के चारों तरफ किसी भी उपग्रह को घुमाने का काम कर देगा, मतलब किसी भी उपग्रह को पहुंचाने का काम करेगा। कौन, जीएसएलवी। और कम भार को ये पहुंचाने का काम करता है। याद रखिएगा जीएसएलवी के बारे में अगर देखा जाए तो लगभग 5,000 किलोग्राम, 5,000 केजी का केजी जो भार होगा, इसको उठा करके पृथ्वी सतह पर लगभग पृथ्वी सतह से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। इतना ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। ये बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये 600 से 900 किलोमीटर पहुंचा सकता है। और कितना, तो याद रखिए लगभग 2,000 केजी की वस्तु को कहाँ पहुंचा सकता है, 600 से 900 किलोमीटर 600 से 900 किलोमीटर ऊंचाई तक ले पहुंचा पाएगा। यानी कहने का आशय ये हुआ कि जो आपके कोई भी मिशन जो लॉन्च होता है तो यह इसी प्रणाली के माध्यम से होता है। ये ज्यादा वजन को उठा करके पृथ्वी को 36,000 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। पृथ्वी के परितह कितना ऊंचाई, 3600, और ये कितना ऊंचाई तक, तो 600 से 900 किलोमीटर मात्र उठा सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये भारी भरकम के लिए प्रयोग होता है, ये हल्के के लिए प्रयोग होता है। अब इस सवाल का आंसर बताना है, जीएसएलवी का पूरा नाम। जल्दी बताइएगा जीएसएलवी का पूरा नाम बताना है। बताइए फटाफट, बताइए क्या होगा, जल्दी बताओ भाऊ। हाँ बीबी आ रहा, सबका बीबी आ रहा, बहुत बढ़िया हो यार देखा। कौन है, कहेंगे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है। एकदम सही बात है। ये आपका क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा जाता है। दोनों बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो शिक्षा के अधिकार से जुड़ा हुआ हो। शिक्षा के अधिकार की बात कर रहा है। देखा बाबू, आजकल अगर देखा जाए तो क्या कोई पढ़ लिख करके राजा हुआ है, बताइए कोई हुआ है, नहीं हुआ है। पढ़ना लिखना बेकार है हे बाबू विकास, बताइए पढ़ना लिखना सही है नहीं, जरूरी है। पढ़ा लिखा व्यक्ति समझदार होता है, वो सामाजिक व्यवहार को समझ सकता है, समाज में कैसे रहना समझ सकता है। ठीक, वो अलग बात है कि पढ़ लिख करके कोई राजा नहीं होता है। यहाँ पर देखिएगा एक आपका आर्टिकल है 21 का। ये वास्तव में अगर बात किया जाए तो 86वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था, आप कहेंगे 1986 में हुआ था, 2002 में हुआ था। 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था। मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटक राज्य, मोहिनी जैन वर्सेस कर्नाटक राज्य में विवाद हुआ था और इसी के तहत क्या हुआ था, शिक्षा के अधिकार को 21 के ए में जोड़ दिया गया था। और ये शिक्षा का अधिकार याद रखिएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्रावधान किया गया है, याद रखिएगा बच्चों के लिए है कितना, तो आप कहेंगे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्रावधान किया गया है, बात यहां पर गठिया लीजिएगा, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। और यही शिक्षा का अधिकार अगर देखा जाए तो कहां पर यह है, तो आप कहेंगे फंडामेंटल राइट में शामिल किया गया है। फंडामेंटल राइट का मतलब मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है, ठीक है ना। चलिए बात आप समझ गए, लेकिन इसी के साथ 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए देखा जाए तो 11वां मौलिक कर्तव्य भी शामिल कर दिया गया है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य भी आप अच्छे से याद रखिएगा कि प्रत्येक अभिभावक का एक कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चे को शिक्षा का अवसर अवश्य प्रदान करें। इसी 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा किया गया है। वो भी हॉकी की बात कर रहा हो कहेंगे हॉकी टीम की बात कर रहा है, कहेंगे अरे गुरुजी क्या बात कर दिए। देखिए अगर हॉकी टीम में बात किया जाए तो एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें 15 मिनट पर, प्रत्येक 15 मिनट पर क्या होता है, प्रत्येक 15 मिनट पर क्या होता है, 4 क्वार्टर में खेला जाता है, 4 क्वार्टर में खिलाते हैं, 4 क्वार्टर में क्या होता है खेला जाता है, खेला जाता है। तो ये बात आपको समझ में आई गया है, कोई दिक्कत है नहीं। यानी 15-15 मिनट के गैप पर 4 मैच होता है इसमें, है ना। और बाकी आप जानते हैं हॉकी के बारे में कितना प्लेयर होगा, कितना होगा, जितना क्रिकेट में होता उतना ही इसमें होता, झूम करके 11-11-11, ठीक है, बात समझ गए। अब बताइए इसी बात पर बताइएगा रग्बी फुटबॉल में कितना होता है, वो रग्बी फुटबॉल भी होता है। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है जरा बताएं। 2007 साहब गीतांजलि आप भी बताएं, जल्दी बताएं। निशु गीतांजलि 15, लल्लन भैया हमारे, अरे वाह लल्लन, जिया हो लाल बाबू, लल्लन भैया हमारे, हाँ हाँ एकदम सही बात है, 15-15 खिलाड़ी, लाजवाब, शानदार प्रदर्शन, वेरी गुड तो कितना हो जाएगा, 15 खिलाड़ी हो जाएगा। इधर देखिएगा नेक्स्ट सवाल, बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे। बारदोली की बात कर रहा है, सत्याग्रह, देखिए बेटा ये बारदोली सत्याग्रह का नेता का नाम आपको बताना है। थोड़ा सा हम बताते हैं, ये जो आंदोलन आपका स्टार्ट किया गया था, वास्तव में अगर देखा जाए तो कर बहुत ज्यादा लग रहा था, लगान ज्यादा लग रहा था, उस लगान के विरुद्ध, उस कर के अगेंस्ट जो है ये स्टार्ट किया गया था। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कर वृद्धि को रोकने के लिए, जो कर वृद्धि था किसानों के ऊपर, कर वृद्धि को क्या, कर वृद्धि के खिलाफ था, याद रखिएगा, इसी के खिलाफ यह आंदोलन था। और ये आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था कहेंगे 1928 में हुआ था। कौन किया था, आप कहेंगे वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल साहब ने किया था। और जब ये सफल नेतृत्व कर दिया, ये कर वृद्धि को रोक दिया, तब यहाँ की महिलाएं इनसे प्रभावित तो हो गई, कहीं वाह वाह क्या बात है, शानदार, आप तो सरदार हैं सरदार यहीं पर इनको वल्लभ भाई, यहाँ की महिलाओं ने क्या बोला, सरदार, सरदार की उपाधि यहाँ पर दिया, सरदार की उपाधि यहाँ पर इनको मिल गया। और भौकाल इनका हो गया मेंटेन, इनका हो गया भौकाल यहाँ पर मेंटेन, क्योंकि इनको मिल गया क्या, सरदार की उपाधि महिलाओं के द्वारा, ठीक है। बात आप समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आप जानते भी हैं कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति यही थे। अगर यहाँ पर सवाल आपसे पूछा जाए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन, उप प्रधानमंत्री कौन, तो आप कहेंगे यही है उप प्रधानमंत्री, यही है भाई साहब उप प्रधानमंत्री। तो ये भी बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चला, गांधी जी बोले, हाँ अरविंद कुमार, देखिए थोड़ा सा हम आप लोगों को थोड़ा सा हम बता देते हैं, बात ध्यान से सुनिए। जब अगर देखा जाए तो जो खेड़ा आंदोलन हुआ था, खेड़ा है ना, खेड़ा और अहमदाबाद मिल मजदूर हुआ था और चंपारण हुआ था। तो चंपारण के बाद जो आपका अहमदाबाद मिल मजदूर जो हुआ था, खेड़ा जो आंदोलन चल रहा था, तो उस कंडीशन में पटेल साहब वहाँ पर जा करके नेतृत्व कर रहे थे। उसी समय वह गांधी जी जो है वह अहमदाबाद मिल मजदूर के लिए चले गए, लड़ाई करने के लिए, है ना, बातचीत करने के लिए चले गए। इनको पूरा सौंप दिए, कहे कि ऐसा है आप इसको संभालिए, संभाले और उसका सफल नेतृत्व भी कर दिए, ठीक है, खेड़ा का। तो जब खेड़ा का नेतृत्व सफल कर दिए तो उस कंडीशन में क्या हुआ, गांधी जी वहां पर इनको क्या बोले थे, सरदार की उपाधि दिए थे। ऐसा कहा जाता किताबों में, ऐसा कहा जाता किताबों में, है ना, बात आप समझ गए ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये कौन है, वल्लभ भाई पटेल को यहाँ महिलाओं ने सरदार की उपाधि दिया है, न कि गांधी जी। सर हमको भी कुछ उपाधि दे दीजिए, अमन चौधरी साहब, चला बाबू, जियो रे अमनवा, क्या बात है, बहुत बढ़िया अमनवा, लाजवाब बेटा, यही आज से आपका उपाधि है अमन बेटवा, यार देख बेटा, चल आगे देख इधर आइए, वर्तमान डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? बताओ, अमनवा कहाँ गया? मोना वर्मा जी आप बताएं, पूनम, सभी लोग बताइएगा। राजेश, यहाँ देखिए सवाल आ गया, डीआरडीओ की बात कर रहा हो, अब कहेंगे गुरुजी डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ? पहला सवाल तो यही ठोकेगा। आप कहेंगे 1958 में हुआ, हम कहेंगे कहाँ हुआ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आप कहेंगे नई दिल्ली में है, और कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसका क्या पड़ता, हेडक्वार्टर पड़ता नहीं पड़ता? कहेंगे हाँ। अरे वाह राजू, क्या बात है राजू। अमन भैया हमारे कहाँ गए हो? अंकुश आनंद, सभी लोग कह रहे हैं एकदम सही बात है। डॉक्टर अमन, डॉक्टर समीर भी कामत साहब हैं, और इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है? किसका स्थान ग्रहण किया? स्थान ये आपको बताना है, स्थान किसका ग्रहण किया है। तो आप कहेंगे गुरुजी ये डॉक्टर एक हैं, डॉक्टर जी सतीश साहब हैं। तो जी सतीश साहब ने क्या किया है? इनका स्थान इनके स्थान पर आ गए हैं। तो ये बात याद रखिएगा। एक सवाल आता है, डीआरडीओ का एक आदर्श वाक्य है। अगर हम आपसे बात करना चाहें इसका आदर्श वाक्य क्या है, अगर हम आपसे पूछना चाहें इसका आदर्श वाक्य क्या है, आदर्श वाक्य क्या है, तो ये सवाल बड़ा ही टिपिकल हो जाएगा। ये जो पढ़ा होगा वही बता सकता है। उसे कहा जाता बलस्थमूलम विज्ञानम, बलस्थमूलम, बलस्थमूलम विज्ञानम, याद रखिएगा, बलस्थमूलम विज्ञानम। तो ये लाइन यहाँ पर याद रखिएगा, ये आदर्श वाक्य है किसका? डीआरडीओ का। क्या चीज है डीआरडीओ का? तो आप कहेंगे गुरुजी बलस्थमूलम विज्ञानम, बलस्थमूलम विज्ञानम, अमरेंद्र बाहुबली की तरह, याद रखिएगा। डॉक्टर समीर बी कामत इस समय अध्यक्ष हैं। स्थान किसका ग्रहण किया इन्होंने? तो डॉक्टर जी सतीश जी का स्थान इन्होंने ग्रहण कर लिया है ना, बात समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया है यार, देखा। बाकी इधर 1958 याद रखिए, नई दिल्ली याद रखिए। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस की बात आ रहा हो, प्रवासी भारतीय दिवस कहेंगे अरे बाप रे बाप। देखिए यहां से दो तीन प्रकार का सवाल बनता है। प्रवासी भारतीय दिवस पहली बात ये पूछता है, प्रवासी भारतीय दिवस ये कब से मनाया जाता है? पहला सवाल ये पूछ देगा तो अच्छा आदमी जो है माटी में लौट देगा, अच्छा आदमी जो है माटी में लौटेगा, ऊपर नीचे नागिन की तरह। चला बाबू बताइएगा, इस सवाल का आंसर बताइएगा। कहवा गईल लड़कैया हो तनी हमका बता द, बताइए इधर बताइए। वो तो सब आसान ही है, ये तो आसान है, इसमें मार देंगे अभी 9 जनवरी गोली मार देंगे हड़ाक से, ना कहेंगे गुरुजी मारिए। अरे वाह जियो रे बेटा, क्या बात है, शानदार। अशोक कुमार राष्ट्रीय सम्राट, गजब का आंसर आपने दिया है। एंड अमृता यादव, बहुत बढ़िया बिटिया, लाजवाब गुड़िया, लाजवाब, शानदार प्रदर्शन, अति सुंदर प्रदर्शन है। तो वर्ष 2003 से क्या हुआ है? ये गियर में आया है। क्या गियर में आया? मतलब ये प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है। वैसे अगर देखा जाए 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी कदम रख दिए थे भारत की धरती पर। कहां से रखे थे? तो आप कहेंगे गुरुजी साउथ अफ्रीका से आए थे। ये साउथ अफ्रीका से आए थे और अफ्रीका से आने के बाद 1915 में जा करके गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं, कहते हैं आप ही तो हमारे गुरु हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काकू लागू पाओ, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो गांधी जी कहे आप ही हमारे गुरु हैं और जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगा। तो कहे कि जाओ पहले तुम भारत का भ्रमण करो, 2 सालों तक गए, 2 साल भ्रमण किए, भारत की परिस्थितियों को, भारत की स्थितियों को समझे, देखे, जाने बूझे। उसके बाद तब मैदान में कदम रखते हैं 2 वर्ष के बाद 1917, आपको पता ही है, चंपारण। यही है इनके जीवन का पहला सत्याग्रह, यही आपका पहला सत्याग्रह है। अब आप बात समझ गए होंगे। 2 वर्ष क्या करते हैं? भ्रमण करते हैं अपने गुरु के साथ, गुरु के कहने पर, नाम पता ही है गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तब जो है मैदान में आते हैं, कब? 1917 में। यहीं से चंपारण स्टार्ट करते हैं, पहला सत्याग्रह। चलिए बात आप समझ गए, आगे देखा जाए। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, इस साल जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का अध्यक्षता कौन करेगा? लिखिएगा, जहरवा पीले बाबू, जहरवा पीले बाबू घोल करके, नहीं तो जानते ही हैं नाच मेरी बुलबुल तो पैसा मिलेगा। चलिए गीतांजलि जी, हरेंद्र बाबू, हेमंत सैनी, अमृता बिटिया, जल्दी बताओ गुड़िया, राजू, हिमांशु सिंह, फ्रांस। अरे गड़बड़ा दिए बेटा, गड़बड़ कर दिए। अपना भारत महान, अपना भारत है महान, अपना भारत है महान ना, कहेंगे हाँ सर। तो देखिए ये जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। कब से कब तक करेगा? तो आप कहेंगे गुरुजी अगर देखा जाए तो यह 21 जुलाई से चलेगा दबा करके। कब तक? तो ये कहेंगे 31 जुलाई तक, 31 जुलाई तक चलेगा, 2024 तक, याद रखिएगा। जुलाई से स्टार्ट होगा। 21 जुलाई चलेगा, 31 जुलाई 10 दिनों का है, ठीक याद रखिएगा। 21 से 31 जुलाई 2024 तक चलेगा। भारत इसकी क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा, ठीक है ना, बात समझ के। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, हाल ही में किस राज्य में कॉलेज फंगत ये भैया आवाज वो नहीं निकल रहा, वही देखा लड़खड़ा रहा है कॉलेज फंगथांसी मिशन की शुरुआत किया है। अच्छा देखिए, पहली बात हम आपको बता देता हूँ गीतांजलि, हाँ ठीक है, यू आर राइट, शांति निकेतन होयसल मंदिर। अरे वाह क्या बात है गीतांजलि, लाजवाब। गीतांजलि के लिए सभी लोग बार जोरदार तारीफ से स्वागत कर दें इनका, बहुत बढ़िया आंसर किया आपने। छोरा गांव का अरे वाह क्या बात है छोरा गांव का आ चुका है मैदान में। कौशल भैया, ज्योति गुड़िया, जल्दी बताइएगा। यहाँ पर कॉलेज फंगथांसी मिशन जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो सरकारी स्कूल हैं यानी जो स्कूल है मतलब विद्यालय हैं, इनको क्या करना, बेहतर बनाना। सरकारी स्कूल को बेहतर बनाने का ये योजना है। बेहतर बनाने का योजना किसको, सरकारी स्कूल को। और सरकारी स्कूल किसकी बात हो रहा है तो याद रखिएगा, ये अगर देखा जाए तो जो आपका मणिपुर राज्य है, इस मणिपुर राज्य का ये पहल है कॉलेज फंगथांसी, जो आपका मिशन है ये मणिपुर राज्य सरकार के द्वारा किया गया। सरकारी स्कूलों को, कॉलेजेस को बेहतर बनाने का ये क्या है, पूरी तरीके से एक प्रक्रिया है। ये बात यहाँ पर अच्छे से याद रखिएगा। और पूरी तरीके से यहाँ के सीएम है कौन है तो आप कहेंगे यन बीरेन सिंह का नाम याद रखिएगा। एन बीरेन सिंह का नाम यहाँ पर याद रखिएगा, यही यहाँ के सीएम हैं। इन्होंने ये योजना लॉन्च किया है और मैटर आप समझ गए, सरकारी स्कूल को बेहतर से बेहतर बनाना इसका क्या है, मेन उद्देश्य है, ठीक है ना, बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जीएनपी का मतलब क्या होता है? जीएनपी का मतलब होता है जीएनपी है ना, चला बताओ। जीएनपी का मतलब होता है जाओ नहीं लेंगे फोकट का एप्पल, यही तो होता है जीएनपी। गीतांजलि बी कह रही है, अच्छा बीवी कह रही है, सबका बी आ रहा है, इसका मतलब सही आंसर सबका आ रहा है। बहुत अच्छा बेटा, लाजवाब, बहुत बढ़िया, गजब का आंसर है, गजब का आंसर। याद देखिएगा, जीएनपी के बारे में बात कर दिया। जीएनपी का मतलब क्या होता है, ये आपका क्या है, जीएनपी है। और एक आपका एनएनपी होता है, एनएनपी होता है। आप देखिए जीएनपी जो है बाबूजी है, किसका, एनएनपी का पापा कौन है, जीएनपी है, क्योंकि जीएनपी जन्म किसको देगा, एनएनपी को जन्म देगा। जीएनपी जो होता है, जीएनपी में से जब आप निकालेंगे किसको, अब जब आप डिप्रेसिएशन निकालेंगे, डिप्रेसिएशन मतलब मूल्यह्रास निकाल के फेंक देंगे तो क्या मिल जाएगा, आपका एनएनपी मिल जाएगा, एनएनपी मिल जाएगा। और यही जो एनएनपी होता है यही वास्तव में आपका राष्ट्रीय आय कहा जाता है। वास्तव में अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय आय कौन सा है तो आप कहेंगे वास्तव में राष्ट्रीय आय तो गुरुजी यही है, एनएनपी को कहा जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट को कहा जाता है। ये ग्रास नेशनल प्रोडक्ट है, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट है, ये बात ध्यान दीजिएगा। जीडीपी नहीं यहाँ पर लिखा है ना, जीडीपी नहीं लिखा है। अब यहाँ पर देखा जैसे एक जीडीपी होता है, जीडीपी होता है तो जीडीपी जन्म देता है किसको, एनडीपी को जन्म देता है। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ये आपका नेशनल आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। इसी प्रकार से निकलेगा कैसे तो आप कहेंगे ऐसे निकलेगा, यानी एनडीपी बराबर क्या हो जाएगा, ये जीडीपी में से निकाल देते हैं क्या चीज, डिप्रेसिएशन निकाल के फेंक देंगे, तब आपका क्या मिल जाएगा, आपका मिल जाएगा एनडीपी मिल जाएगा, बात समझ गए ना। लेकिन वास्तव में राष्ट्रीय आय आपका यही है। तो वास्तव में राष्ट्रीय आय कौन है तो आप कहेंगे यही। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय आय 4 पैरामीटर्स में से कौन इंडिकेट कर रहा है, जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी, एनडीपी, तो आप कहेंगे हैयत है, हिका है, चुपचाप बैठा हुआ बेचारा, हिका बैठा है, ये है एनएनपी वाला, यही है राष्ट्रीय आय, यही जितना बताएगा वही अपने भारत देश का राष्ट्रीय आय होगा, ठीक है। एनडीपी बराबर जीडीपी नहीं होगा पूनम गुप्ता, है पूनम गुड़िया, नहीं होगा बेटा। आइए फटाफट देखिएगा इधर, तो क्या हो जाएगा, जीएनपी का मतलब क्या हुआ, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट हो गया, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट हो गया। तो सवाल का आंसर आपका बी हो गया, ठीक। नेक्स्ट सवाल आइए देखा जाए, निम्न में से आधुनिक अर्थशास्त्र के बाबूजी कौन हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र की बात कर रहा है, ये बात ख्याल रहे भारत की बात नहीं कर रहा है, भारत की बात नहीं कर रहा। यहां पर अगर आपसे सवाल ऐसे पूछ दे, भारत में अर्थशास्त्र के जनक अगर पूछे, भारत में अगर पूछ दिया जाए अर्थशास्त्र के जनक, अर्थशास्त्र के जनक कौन है, के जनक कौन है, जरा बताइए बाबू, जरा बताइए इधर, जल्दी बताइए फटाफट बताइए। इधर तो सबका आ रहा हो, इधर तो सबका आ रहा है, देखा इधर तो सबका आ रहा है, वाह वाह हाँ एकदम सही बात है, एडम स्मिथ साहब तो हैं, यू आर राइट, है ना, आप सभी लोग एकदम सही हैं, गलत नहीं हैं। एडम स्मिथ ने एक किताब लिखा, उसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। ये वेल्थ ऑफ नेशन किताब है और ये किताब के रचनाकार कौन है, यही हैं। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक यही एडम स्मिथ हैं और यही याद रखिएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के भी बाबूजी कहे जाते हैं। ये जो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होता है, अर्थव्यवस्था कैसा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसके भी जनक कौन है, आप कहेंगे यही है, इनके भी जनक यही हैं। हमने पूछा है भारत में अर्थशास्त्र के जनक कौन है, जल्दी बताइए। गोलू, जय कृष्णा, निशु, गोलू, ज्योति, अशोक, सभी बताएं, चलो जल्दी बताओ, सभी लोग बताइए एकदम। सुधा बताइए, भारत में अर्थशास्त्र के जनक कौन है। अमर्त्य सेन, नहीं नहीं गड़बड़ा गए, गड़बड़ हो गया बेटा, गड़बड़। अमर्त्य सेन एक अर्थशास्त्री थे जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था वर्ष 1998 में, ठीक। लेकिन यहां पर बात हो रहा है अर्थशास्त्र के जनक भारत में किसे कहते हैं, दादा भाई नौरोजी, गड़बड़ा गया हो, गड़बड़ हो गया बेटा। अशोक कुमार राष्ट्रीय सम्राट, गड़बड़ा गया, गड़बड़ा गया, थोड़ा सा और जोर लगाइए, अभी आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, ये फिर भूलेगा नहीं, जब सवाल आएगा कहेंगे हाँ सर आया तो था कौटिल्य, नहीं गड़बड़ा गया, गड़बड़ा गया। चाणक्य साहब, अरे गड़बड़ हो गया। अर्थशास्त्र के जनक भारत में बात कर रहा है यहाँ पर, आधुनिक अर्थशास्त्र के, भारत के अर्थ, भारतीय अर्थशास्त्र यानी भारतीय अर्थशास्त्र के जनक। भारत में अर्थशास्त्र के जनक का मतलब हुआ भारतीय अर्थशास्त्र, ऐसे लिख देता हूँ और स्पष्ट कर देता हूँ, ऐसे लिखता हूँ भारतीय अर्थशास्त्र के जनक, भारतीय अर्थशास्त्र के जनक। चलिए, ये सवाल बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है और इस सवाल का आंसर आप सभी लोगों को ढूंढ करके, पता करके, कहीं से गूगलिया करके, फूगलिया करके आपको ला करके हमारे सामने प्रस्तुत कर देना है। जब वीडियो समाप्त हो जाएगा, वीडियो के बाद कमेंटिया दीजिएगा, सभी लोग कमेंटिया दीजिएगा। एक बार आप लोग देखेंगे तो अच्छा रहेगा, आपके दिमाग में सेट रहेगा। हालांकि सुबह जैसे जेल में कल आऊंगा तुरंत इसको बताऊंगा। चलिए, भारतीय अर्थशास्त्र के जनक कौन है ये आपको बताना है, निश्चित रूप से इंतजार करूंगा मैं आप सभी के आंसर का। चलिए, बात यहाँ समझिए, नाम बड़ा ही आसान है लेकिन अब दिमाग में आप लोगों के पास आ नहीं रहा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, आएगा आएगा। इधर देखिए, निम्न में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लवाऊ, जो जिला कहाँ है वो आप कहेंगे जेएनके, जाओ नहीं खाएंगे पल क्या कर लोगे। बनिहाल कहाँ है वो, तो आप कहेंगे जेएनके में, फिर नहीं जाओ फिर नहीं खाएंगे पल क्या कर लोगे। लापचा दर्रा कहाँ, यहीं पर पड़ता है। खारदुंगला दर्रा कहाँ है वो, तो आप कहेंगे गुरु जी ये तो खारदुंगला दर्रा कहाँ पड़ता है, ये पड़ता लद्दाख में पड़ता है, कहाँ पड़ेगा, तो आप कहेंगे लद्दाख में पड़ता है खारदुंगला दर्रा। ये भी बात ध्यान दीजिएगा, लापचा दर्रा आपके सवाल का आंसर हुआ ना। यार देखा, चाणक्य कहाँ हो गए हो, चाणक्य नहीं होंगे, मोहित सिंह राजपूत चाणक्य को नहीं कहा जाता भारतीय अर्थशास्त्र के जनक, ठीक। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, ये तो बड़ा ही आसान सवाल है, ये तो आओ सनम जाओ सनम, है ना, आइए ठोकिए मारिए हड़ाइए, दम नहीं है सवाल में, क्या दम है कहेंगे गुरु जी इसको मार दीजिए। अगर सबसे छोटा पूछता तो आप उमानंदा कह देते, सबसे छोटा पूछता उमानंदा आप कहते। सबसे बड़ा कहेगा तो कौन सा होगा, माजुली द्वीप हो जाएगा। दोनों के दोनों किस नदी पर हैं, तो आप कहेंगे दोनों के दोनों एक ही नदी पर हैं, वो कौन है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी पर पड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है उमानंदा और साथ में कौन है, माजुली। ये दोनों के दोनों द्वीप हैं, रिवराइन आइसलैंड है, नदी द्वीप है। दुनिया का सबसे बड़का माजुली और दुनिया का सबसे छोटा उमानंदा है, ठीक है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीपी शहर कौन सा है, सवाल बदल गया। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपी शहर बताइए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय शहर कौन है, नदी द्वीपीय शहर, नदी द्वीपीय शहर कौन है, यानी माजुली भी एक नदी द्वीप है लेकिन आबादी यहाँ उतनी नहीं है जितनी की यहाँ पर है। ये बात कर रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीपी शहर कौन है, जल्दी बताओ आओ, जल्दी बताओ, वाह वाह क्या बात है, गजब क्या बात है, केरल में आई देखा, नाच गाना शुरू हो गया हो, नाच और गाना दोनों हो चुका है, देखिए क्लास में देखिए नौटंकी शुरू हो चुका है जल्दी बताओ, फिर यहाँ मैटर गड़बड़िया गया, मैटर गड़बड़ हो गया। ले बाबू विकास चौहान जी, जल्दी बताओ बेटा क्या होगा विश्व का सबसे बड़ा हाँ ठीक ठीक, चलिए नौटंकी मतलब ये हुआ कि नाच गाना शुरू है क्लास में, देखिए क्लास कहाँ आंसर आ रहा है, इस सवाल का आंसर नहीं खोज पा रहे हैं आप लोग, फटाक से ना खोजिए। ब्रिजेश, जय कृष्णा, जय जयकार होनी चाहिए आपकी। रुद्र, हाँ नौटंकी उत्तर प्रदेश में नौटंकी मतलब उत्तर प्रदेश नहीं सुने हैं, लोक नृत्य होता नौटंकी। चलिए कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। इधर देखिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय शहर कौन सा है? तो आप कहेंगे मॉन्ट्रियल है। ये मॉन्ट्रियल शहर है। मॉन्ट्रियल शहर कहाँ का शहर है? तो आप कहेंगे कनाडा का शहर है। यह कनाडा का शहर है। कनाडा का शहर कहा जाता मॉन्ट्रियल, वहीं जहां मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। यही सबसे बड़ा नदी द्वीपीय शहर है। सेंट लॉरेंस की नदी में है। सेंट लॉरेंस की नदी में है। सेंट लॉरेंस की नदी में है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय शहर है। अगर ऐसे सवाल पूछेगा तो माजुली भी ऑप्शन में देगा, ये भी ऑप्शन में देगा, लेकिन माजुली आंसर नहीं होगा। ये आपके सवाल का आंसर होगा। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये, ध्यान रहे। ये नदी द्वीपीय शहर है जिसपे आबादी ज्यादा, इस पे आबादी बिल्कुल नहीं है, बहुत कम है। यहाँ धान की खेती बहुत ज्यादा होता है। अगला देखिएगा, भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य में अनुच्छेद 370 को कब समाप्त कर दिया है? कहेंगे जली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं, उससे जो चिंगारी निकलता है उसको। भाई और बहना जरा ध्यान दीजिए इधर, फटाफट जल्दी। ज्योति गुप्ता, हिमांशु, मोदी सरकार के द्वारा मोदी जी के शासनकाल में, याद रखिएगा, एकदम सही आंसर है, एकदम सही आंसर है। मोदी जी के शासनकाल में, याद रखिएगा, मोदी जी के शासनकाल में, नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में क्या हुआ? तो आप कहेंगे इनके शासनकाल में जबाना हुआ करता था 5 अगस्त 2019, और इसी समय क्या होता है 370, और साथ में एक और आर्टिकल है जिसका नाम है अनुच्छेद 35 का ए। अनुच्छेद 35 का ए, जो 35 का ए और अनुच्छेद 370 जो एक विशिष्ट अधिकार देता था जम्मू कश्मीर को, दोनों को समाप्त कर दिया। कहा भैया जा, सब इसका मतलब हो गया ढेला बटा जीरो, जाइए। इसका प्रभाव 0 बटा सन्नाटा हो गया, ठीक है। तो 5 अगस्त 2019 को संसद ने मंजूरी दिया था। इसी समय संसद के द्वारा मंजूरी प्रदान हुआ था। संसद द्वारा क्या मिला? तो आप कहेंगे मंजूरी मिला। किसको मिला? आप कहेंगे उसी को मिला। हम कहेंगे कौन? उसी को कहेंगे हुक्का ऊपर है, ठीक है। चलिए बात समझ गए। 370 और 35 के ए दोनों पर बैन। हेड देखा, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेद की बात हो रहा है। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेद में मतदान का अधिकार का उल्लेख कहां पर है? मतदान के अधिकार का उल्लेख की बात करता है, वो भी कौन से आर्टिकल की बात करता है? कौन से आर्टिकल पे बात करता है? 5 और 15 में कंफ्यूजन। नो ज्योति गुप्ता, कंफ्यूज यहाँ नहीं है, आपको दिमाग में सेटिया लीजिए। 5 अगस्त, याद रखिएगा, 5 अगस्त 2019, ठीक है, समाप्त हुआ, मंजूरी मिला। एकदम सही आंसर है, बहुत बढ़िया आंसर है विक्रम कुमार जी। 326, एकदम सही आंसर 326 है। और याद रखिएगा मतदान का अधिकार का उल्लेख यही किया गया है, और इसी के तहत याद रखिएगा 108वां संविधान संशोधन में कहा गया है 1989 के तहत कर दिया गया क्या? मतदाता की उमरिया 21 वर्ष से घटा करके कितना कर दिया गया है? तो आप कहेंगे घटाकर कर दिया गया है कितना गुरुजी? तो आप कहेंगे 18 वर्ष। यानी भारत का प्रत्येक वो नागरिक जिसका उम्र वर्तमान में 18 वर्ष या उससे ऊपर है, वो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में निर्वाचन प्रणाली में भाग ले सकता है। वही है, बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, निम्न में से किस निर्णायक युद्ध ने भारत पर अंग्रेजों के शासन की स्थापना की? अंग्रेजों ने शासन की स्थापना किया था। निर्णायक युद्ध में भारत की बात कर रहा है। भारत में अंग्रेजों के शासन की स्थापना किया था। चलिए विनीत चौहान बताइए जरा, सुधा जल्दी बताओ बेटा, फटाफट बताइए। सुधा, विनीत, ज्योति, रजनीश, अमृता, रुद्र, सभी बताइए क्लास में, फटाफट आंसर बताइए। बी आ रहा है, किसी का डी आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, किसी का डी आ रहा है। इसका मतलब एक आंसर तो एकदम सही है, सही है ना? आंसर तो एकदम सही आ रहा है आप लोगों का, नो डाउट है। देखिए जब आपका प्लासी का युद्ध हुआ था, ये जब प्लासी का युद्ध हुआ था आपका 1757 में हुआ था, और ये जो आपका बक्सर का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? कहेंगे 1764 में हुआ था। 1764 में हुआ था। जरा समझिएगा, जब 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में यह ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्ध जीत लिया, तो पूरी तरीके से पकड़ हो गया बंगाल पर। अंग्रेजों का बंगाल पर नियंत्रण स्थापित हो गया, यानी बंगाल गियर में आ गया। यहां पर बंगाल क्या हुआ? गियर में आ गया। बंगाल नियंत्रित कर लिया गया पूरी तरीके से अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि बंगाल पर अभी तक सिराजुद्दौला का अधिकार चल रहा था। लेकिन यहां पर 1764 में जब होता बक्सर का युद्ध, तो इस कंडीशन में पूरे भारत पर क्या होती है? पकड़ हो जाती है मजबूत। यानी अभी तो बंगाल को पकड़ा था, हाई लवाहू, हाई पूरा जो है भारत है, पूरा भारत को पकड़ लिया, इसे मुट्ठी में पकड़ लिया, यानी पूरी तरीके से गिरफ्त में आ गया। कौन आ गया? पूरा भारत। किस युद्ध के बाद? बक्सर युद्ध के बाद, याद रखिएगा। इसी के बाद इलाहाबाद की संधि हो जाता है 1765 में, याद रखिएगा 1765 में इलाहाबाद की संधि इसी के जस्ट बाद अंग्रेजों ने कर दिया है। किसके साथ? तो आप कहेंगे मुगल बादशाह के साथ, और जो अवध के नवाब हैं सुजाउद्दौला उनके साथ कर दिया। ठीक है ना, बात याद रखिएगा। तो बक्सर युद्ध आपके सवाल का आंसर, क्योंकि भारत में बोला, भारत बोला। अगर हम बंगाल बोलता तो आपके सवाल का आंसर क्या हो जाता? तब वो हो जाता प्लासी युद्ध होता। यार देखा, भारत में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी कवारती है? कवारती की बात करता है अंडमान निकोबार, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली। कौन सा हो जाएगा? कहेंगे गुरुजी ये भी आओ सनम जाओ सनम, दम नहीं है इस सवाल में। हम कहेंगे हाँ सही बात है, ज्योति ने आंसर किया ए, बाकी यहाँ राष्ट्रीय सम्राट ने आंसर किया सी। क्या होगा सर? क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। इधर देखा ये क्या होगा? तो आप कहेंगे लक्षद्वीप यहाँ पर आपके सवाल का आंसर है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती किस द्वीप पर है? तो आप कहेंगे गुरुजी ये किस द्वीप पर है? तो आप कहेंगे लक्षद्वीप पर है। यहाँ देखिए किस पर है? आप कहेंगे लक्षद्वीप, या इसी को कहा जाता है कैनानोर, यही कहा जाता है कैनानोर द्वीप। तो कैनानोर द्वीप कहिए या लक्षद्वीप कहिए, ये लक्षद्वीप का एक द्वीप समूह है, याद रखिएगा। तो लक्षद्वीप या कैनानोर द्वीप पर यह कवारती राजधानी अवस्थित है। ये बात विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है ना, ध्यान रखना है। यहाँ की भाषा कौन सी है? तो आप कहेंगे मलयालम भाषा है, मलयालम भाषा है। लेकिन लक्षद्वीप में एक आपका अपवाद है, एक आपका अपवाद है। कौन सा? तो आप कहेंगे मिनिकाय अपवाद है। हम कहेंगे मिनिकाय में क्या बोला जाता है? तो आप कहेंगे ओसा कमखी ना खोखीता, क्या हो? तो आप कहेंगे गुरुजी यहाँ पर महल भाषा, यहाँ पर भाषा बोलते हैं महल भाषा, याद रखिएगा। लक्षद्वीप का ही अंग है ये मिनिकाय, लक्षद्वीप का ही अंग है, यहाँ पर महल भाषा बोला जाता है। बाकी सब जगहों पर, कहाँ पर? अमनदीवी पर भी, लक्षद्वीप पर भी, सब वही बोला जाता है। कौन सा? मलयालम। ठीक है ना। चलिए, लक्षद्वीप में ज्यादा जो जनसंख्या निवास करती है वो केरल से सैफी समुदाय, ये मुस्लिम समुदाय है, सैफी मुस्लिम समुदाय के लोग आकर के केरल में बसे हुए, केरल से आकर के बसे हुए हैं लक्षद्वीप पर। बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला 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 राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा है। हजारीबाग, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहा है ना। पलामू की बात कर रहा है, पलामू पलामू लामू पलामू। माँ माँ, ये माँ क्या करना है माँ? तो माँ बोली जा बेटा झारखंड जो क्या बोलते हैं, झाड़ झंकर जो है सामने, घर के सामने, उसको साफ कर दो बेटा। तो बोला पहले दाल लामा माँ, पहले दाल लामा पलामू, मतलब पलामू लामा दाल ला, दाल खाऊंगा तब तो बाहुबली बनूंगा, तब ना झाड़ और जो झंकड़ फंकड़ वहां जमा हुआ उसको साफ करूंगा, इसे थोड़ी साफ कर दूंगा। हजारों की संख्या में वहां पर माल एकदम झाड़ा झाड़ पड़ा हुआ है। पता नहीं वहीं हो सकता नाग देवता, वहीं पर माल 10-10 लत क्या करेंगे। तो माँ माँ दाल दे दे, माँ दाल दे दे माँ। ठीक है, हजारों की बाघ है, कहाँ पर? झारखंड में हो, तो याद रखिएगा। बेतला मतलब बेटवा, तो माँ ने कहा ए बेटवा जाके झाड़ झंकर साफ कर दो। बेतवा, तो बेटवा कहा बेतवा मतलब बेटवा कहा, ए माँ दाल दे दे माँ, वहां बड़ा हजारों की संख्या में झाड़ है। चला, बात समझ गए। आगे देखा, कर्क रेखा निम्नलिखित राज्य में से नहीं गुजरता है। कह रहा कर्क की बात करता है, देखा वो कर्क रेखा की बात कर रहा है। भारत के कितने राज्यों से? कहेंगे 8 राज्यों से गुजरता है रेखा, यानी 8 राज्यों से गुजरता है। कहाँ से? कहेंगे 8 राज्य से गुजरता है, 8 राज्यों से। वो राज्य कौन सा नहीं है? वो बड़ा आसान सवाल है। दाल दे दे माँ, ओमकार सेलर भैया, हाँ जाकर आज दाल बनवाइए, फर्स्ट क्लास दाल बनवाइए तड़का मार करके, याद रहे। इधर देखिए क्या होगा सवाल का आंसर? बीबी हो रहा, ठीक एकदम सही बात है। तो असम से थोड़ी नहीं जाता है, असम से नहीं जाता है। ठीक है, असम से नहीं जाता है। असम एकमात्र ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश को 2 तरफ से टच करता है, यानी बांग्लादेश को 2 तरफ से। बांग्लादेश को कितने तरफ से? तो आप कहेंगे 2 तरफ से, 2 तरफ से क्या करता है? टच करता है, टच करता है, टच करता है, टच करता है मतलब सीमा बनाता है। ठीक है, सीमा बनाता है 2 तरफ से असम, याद रहेगा कि नहीं? याद रखना चाहिए ना, पिक्चर दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके दिमाग में तो होगा ही। ठीक है, शिशिर कुमार, आई हैव डू द सेम एज द सेम एज द सेम टाइम आई एम नॉट एबल टू ज्वाइन द वाट टाइम ऑफ वाट डू यू वांट टू से विथ मिस्टर कुमार वर्मा। आई डजंट अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी थिंग वेरी क्लियरली, जस्ट टेल मी। सर आप पोल शुरू करो ना, अरे पोल शुरू करा, अच्छा ठीक है चलिए पोल शुरू करूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा, वो बहुत टाइम लगेगा, पोल शुरू करूंगा। इधर देखिए नेक्स्ट क्लास आपका SSC GD का है, टारगेट है SSC GD का है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास याद रखिएगा 30 दिन का चल रहा है, 10वां आपका टारगेट है 15 जनवरी को है। निम्न में से कौन सा 7 बहनों की संज्ञा में नहीं आता हो? 7 बहनों की संज्ञा की बात कर रहा है। बहना ने भाई की कलाई में, याद रखिएगा, बहना ने भाई के कलाई में क्या बाधा है? हैया है भैया, ये सबका भैया है, ये सबका भैया है। जितने भी 7 बहना है 7 सिस्टर्स हैं पूर्वोत्तर राज्य में, जो भी आपके पूर्वोत्तर राज्य हैं, जो आपके पूर्वोत्तर राज्य है ना, ये पूर्वोत्तर राज्य जितने भी हैं, ये सभी पूर्वोत्तर राज्यों का एक ही भाई है, एक ही रक्षक है, जिसे कहा जाता सिक्किम है। जितने पूर्वोत्तर राज्य है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, नागालैंड है, त्रिपुरा है कि नहीं, मिजोरम है, ये सभी सभी क्या है पूर्वोत्तर राज्य है। आपका डेली का क्लास सोनू डेली क्लास चलता है 5 बजे, लपेट के है यार, देखा भारत छोड़ो भारत छोड़ो भारत छोड़ो, नहीं तो हम छोड़ा देंगे। गांधी जी ऐसे थोड़ी बोले थे, गांधी जैसा नहीं गए थे, कहे अरे अंग्रेज सर आप लोग छोड़ दीजिए भारत को, काहे पड़े हैं चक्कर में हम लोगों के। कहे अंग्रेज कहे बहुत मारूंगा अभी, कहे मार लो लो मार लो, ये मार लो ये मार लो। भारत छोड़ो आंदोलन देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो आप कहेंगे गुरुजी ये स्टार्ट होता है 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। कहाँ से? तो आप कहेंगे ग्वालियर टैंक मैदान, ये ग्वालियर टैंक मैदान पड़ता है, ग्वालियर टैंक मैदान पड़ता है कहाँ पर? आप कहेंगे बॉम्बे में पड़ता है, यानी बम्बई से इसको स्टार्ट होता है। और जब स्टार्ट होता है तो याद रखिए अगले ही दिन यानी 9 अगस्त का जमाना याद रखिएगा, 9 अगस्त 1942 ईस्वी को क्या होता है? ऑपरेशन जीरो आवर, याद रखिएगा ऑपरेशन जीरो आवर स्टार्ट होता है, ऑपरेशन जीरो आवर स्टार्ट किया जाता है। और इस ऑपरेशन के तहत जितने भी बड़े बड़े नेता होता सबको पकड़ पकड़ के जेल में ठूस दिया जाता है और कह दिया जाता जा आप करा बड़ा भौकाल मार रहे थे, जा 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 जाओ और करो। उसके बाद भी भारत छोड़ो आंदोलन नेतृत्वविहीन आंदोलन था, नेतृत्वविहीन आंदोलन था याद रखिएगा, इसका कोई नेतृत्व करने वाला नहीं बचा था और एकदम जबरदस्त आंदोलन था याद रखिएगा। 8 अगस्त चूंकि हुआ था तो इसीलिए इसको अगस्त में हुआ, तो अगस्त क्रांति भी इसको कह देते हैं, है ना पप्पू भैया, पप्पू भैया समझ में आ रहा है? ठीक है चलिए बात आप समझ गए। तो क्या हो जाएगा कहेंगे गुरुजी 8 अगस्त क्या हो जाएगा 1942 में हो जाएगा, ठीक। 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? आप कहेंगे 8 अगस्त 1942 को। कहां से? यहां से बंबई से। और कब जीरो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ? कहेंगे 9 अगस्त 1942 को हुआ। बात समझ गए। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल खत्म हो गया, तो सवाल आज का समाप्त हुआ, समय भी समाप्त हुआ। आपने शानदार तरीके से क्लास को सीखा, समझा, बहुत सारी चीजें आपको दिमाग में आई होंगी। ये आपका प्रहार 2.0 बैच चल रहा है और इसमें लाइव में हिंदी करंट अफेयर मिलेगा और BOD के फॉर्म में जीके, जीएस, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग आपको मिलेगा, ठीक। तो ये जुड़ना ना भूलें। इसके लिए MD क्लासेस का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करिए, पेड कोर्स में जाइए और जा करके रजिस्टर करिए अपने आप को। पेड कोर्स में जा करके जो आपका कोर्स सही लग रहा है वो आप ले सकते हैं, ठीक। चलिए बेटा, तो ये क्या है, GK GS बाई वर्मा सर है और जा करके आप सभी लोग हमसे यहाँ जुड़ जाइए। और यहाँ पर जो भी आज क्लास हुआ है या जो भी क्लास होता है उस क्लास का PDF आपको शाम के टाइम में पूरा मैं यहाँ पर भेज देता हूँ, ठीक। इसी के साथ दोस्तों थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, फिर मुलाकात करेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।